चारों तरफ फॉग हो गया है यार, बहुत ही मस्त है बहुत। तो आज मैं अकेले का मजा उठा रही हूँ यहाँ पे सोलो राइडिंग का। लास्ट टाइम भी ऐसी ही बारिश हुई थी और इस बार भी सेम वही चीज। बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत वाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जावा गर्ल सुरभी। तो जावा गर्ल सुरभी आ गई है वापस अपने राइडिंग मोड पे। काफ़ी दिन से गैप थी, 3 महीने का गैप हो चुका था राइडिंग किए हुए, कोविड वगैरह हो गया था, बट तो अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। तो अब अपने राइडिंग मोड पे आ गई हूँ। तो आज मैं अभी निकल पड़ी हूँ सोलो राइडिंग पे, क्योंकि बहुत मन था यार, बहुत दिन से घर पे बैठे बैठे ना बोर हो रहा था। तो आज सुबह सुबह अचानक से प्लान बनाया और निकल पड़ी मैं अपनी लकी चार्म को उठा के, चला के, भगा के, जो भी बोलो आप। तो अभी मैं गाइस जा रही हूँ खांडी गांव। ये पुणे से ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर है, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है, बहुत ही मस्त स्पॉट है। ऊपर जाके एक बहुत अच्छा व्यू वहाँ पे आपको दिखाऊंगी मैं, एंड आई होप कि आप लोगों को वो प्लेस बहुत अच्छा लगेगा और जो पुणे के आसपास रह रहे हैं वो तो विजिट कर सकते हैं यार। इस जगह पर बहुत सही प्लेस है, इतना औसम है ना, सुकून है, शांति है, ज़्यादा रश नहीं होता है। आप आराम से आओ यहाँ पे, छिल मारो, जितनी टाइम रहना है रहो, आराम से वापस जाओ। तो अभी उस पॉइंट पे आप लोगों को मैं ले जा रही हूँ। देखो आसपास कितना मस्त नज़ारा, वो पतली सी सड़क, मस्त चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कंफ्यूज हो गई हूँ कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अभी मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, दो रोड दिखी थी आपको, एक नीचे जा रही थी, एक ऊपर जा रही थी। जो अपना मस्त वाला व्यू है ना वो ऊपर की तरफ दिखने वाला, और नीचे जाएंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे फिर पुणे के लिए, उधर बाहर बाहर से निकल जाएंगे। तो अभी तो अपन जा रहे हैं व्यू के लिए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अपन आ गए हैं खांडी में और अभी यहाँ पे बहुत ही मस्त, बहुत ही औसम व्यू है। जैसा कि आप लोग देखो, ये पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया है, नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही मस्त पॉइंट है यहाँ पे। इधर पे क्या, इधर पे देखो जावा गर्ल की बाइक पार्क है। सो अभी बारिश भी, शायद बारिश आने वाली है बहुत तेज़ी से, और ये नीचे अपन स्लाइड करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे खांडी गांव। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा यार, मस्त लग रहा है। बट अभी पूरा यहाँ पे क्लाउड हो रखा है तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं तो नीचे पूरा गांव दिखता है। जब एक बार खुल जाता है ना ये बादल छट जाएंगे तो पूरा व्यू दिखेगा मस्त। तो भाई देखो अभी तो बारिश आ गई है मस्त वाली, अब हम क्या करेंगे पता नहीं। पूरा फॉग फॉग हो गया है चारों तरफ और मस्त वाली बारिश आई है यार। अभी तो बचना नामुमकिन है यहाँ पे। ये देखो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कुछ बाइकर्स लोग हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और ये देखो पूरा चारों तरफ फॉग हो गया है यार, बहुत ही मस्त है बहुत। तो आज मैं अकेले का मज़ा उठा रही हूँ यहाँ पे सोलो राइडिंग का। लास्ट टाइम भी ऐसी ही बारिश हुई थी और इस बार भी सेम वही चीज़। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत वाओ। ये देखो खुल गया, वाओ क्या मस्त बादल, देखो कैसे अलग से हवा में
वाओ, ये पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। मैंने बोला था ना आप लोगों को, अभी ये हटेगा बादल तो मस्त व्यू दिखेगा। देखो कितना मस्त लग रहा है यार, वाओ बहुत सही, एक नंबर। सो गाइस, 20 पॉइंट से जा रही हूँ और मैं जाऊंगी घर। काफी मजा आया सोलो राइड करने में, और कुछ बाइकर्स भी मिल गए तो उनसे भी हाय हेलो हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, तो अच्छा लगा उनसे मिलते भी। के पास है एक जगह है बहुत सुंदर, ये देखो आप मेरे पीछे ब्रिज है, बहुत खूबसूरत जगह यार, इतना मस्त है ना। ये देखो ये मेरा ब्रिज है इधर, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, फोटो सेशन चल रहा है, ले रही हूँ, इसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए निकलेंगे। तो चलो पूरा वीडियो मेरा ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा प्लेस है और बहुत इंजॉय किया। बहुत टाइम बाद मैं निकली हूँ, मार्च पे आई थी लास्ट राइड में, मार्च के बाद से मैं अब राइड पे आई हूँ। कोविड भी हो गया था तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, इतने भी लग रहा था बाइक कैसे चलाएंगे, तो अभी तो खैर रिकवर हो गया है पूरी तरह से। अब जावा कल निकल चुकी है राइड के लिए, आई एम गोइंग बैक टू होम एंड